सो हेलो फ्रेंड नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम बोट का जो वायरलेस ये माइक है इसका हम फुल टेस्ट करके आपको इसका आवाज कैसे कनेक्ट करना है, कितना रेट है इसका, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अनबॉक्सिंग नहीं, अनबॉक्सिंग तो आपने बहुत सारा देखा होगा, तो सारा कुछ आज के वीडियो में टेस्ट कैसे यूज करना है सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और मेरा नाम चंद्र, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों जैसे हम एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कैमरा की बात आता है। तो कैमरा, चलिए हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से हम कैमरा का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। लेकिन दूसरा रिक्वायरमेंट आता है माइक का। तो माइक का हम थोड़ा बहुत, अगर मोबाइल का माइक की बात करें तो उतना बढ़िया नहीं आता है, तो उसके लिए हम 200-300 वाला माइक खरीद लेते हैं। तो चलिए शुरुआत प्रोसेस में वो ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और हम विकास करते हैं तो बोया का M1 माइक आता है, वो हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अभी टेक वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे वायर वाला माइक रहेगा, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग कॉमेडी वाइंस वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, बाहर में जाकर आउटडोर में जाकर शूट करते हैं, और कभी कभी मूविंग शॉट होता है जैसे चलता रहता है, तो उस वक्त वायर वाला माइक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसी कारण से हम लोग ने वायरलेस माइक थोड़ा पैसा लगा ही, लेकिन वायरलेस माइक परचेज कर लिए हैं ताकि वीडियो बनाने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। हम लोगों के पास जो बोया का M1 माइक था वो प्रॉब्लम कर रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका साउंड में। प्रॉब्लम आ रहा है ना, इस कारण से कोई कोई सीन ऐसा होता था कि मतलब बहुत बढ़िया एक्टिंग है, बहुत बढ़िया शूट हुआ है, लेकिन उसके बाद उसका साउंड चेक करते थे तो साउंड इतना बेकार हो जाता था, उस कारण से उस सीन को रिजेक्ट करना पड़ता था। तो अलग से तो डब कर नहीं सकते, डब करते तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता है, तो उस कारण से हम लोगों ने ये माइक परचेज कर लिया। तो चलिए इसके डब्बा खोलने के बाद इसमें क्या सब मिल जाता है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका बैग है, काफी खूबसूरत है, बढ़िया है, और इसको जैसे ओपन करते तो कुछ इस तरह से नजारा आता है, जिसमें देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक रिसीवर है, दो ट्रांसमीटर, यानी ये रिसीवर है जो सिग्नल रिसीव करेगा, ये कैमरे के पास, मोबाइल के पास, आईफोन के पास रहेगा, और इस दोनों में आवाज रिकॉर्ड होगा इस दोनों में, तो ये जो बोलेगा उस व्यक्ति के मतलब लगाना होता है कॉलर में। चलिए इतना हो गया, उसके बाद क्या सब है ये चीज जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप यूज नहीं कर पाओगे, यूज करने में दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आपको ये वाला पिन देख सकते हो कि ये C2 आईफोन वाला होता है, तो अगर आप आईफोन में वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको इसको पहले रिसीवर में, गौर से देखिए यहाँ पे लिखा है रिसीवर में, आपको यहाँ पे प्लग करना है और इसको आपको आईफोन में प्लग करके रिकॉर्डिंग करना है, आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए इस पिन का काम हो गया, उसके बाद दूसरा पिन बात करते हैं तो ये टाइप C2C है, इस ये दूसरे काम के लिए है, आपको यहाँ पे देख सकते हो C2 ऑक्स है, तो यहाँ पे ये एक स्टिकर यहाँ लगा हुआ है प्रोविटेड चार्जिंग वाला, इसमें लिखा है कैमरे के लिए, तो ये तीन वाला है तो ये कैमरे के लिए है, तो यहाँ आपको आपको इसमें लगा देना है और इस कैमरे में लगाना है। आपको हम यूज करके भी दिखाएंगे कैसा आवाज आता है। उसके बाद एक और पिन यहाँ पे आ जाता है तो ये वाला, इसमें देख सकते हो आप फोन लिखा है, तो फोन वाले में ये चार गो वाला होगा। चलिए इसको रिसीवर में लगा के इसको अपने फोन में लगाना है, फोन में लगाओगे तो रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद फिर एक पिन बात करते हैं तो ये वाला देख सकते हो, ये चार्जिंग केबल है, आपको इसको अपने चार्जर में घुसा देना है और इससे आप एक बार में एक रिसीवर या दो चार्ज कर सकते हैं, ये जो करिए दो चार्ज कर सकते हैं इसको लगा के। चलिए इतना तक हो गया, उसके बाद बात करते हैं क्या सब है। तो इसमें आपको ये दो, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग समझ जाइए, माइक के ऊपर में लगा रहता है तो ये मिल जाएगा आपको दो। और उसके बाद बात करते हैं कि हेडफोन होता है, ये भी आपको दो मिलेगा, क्योंकि जो कैमरामैन होता है वो देखेगा कि कैसा आवाज इसका आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चीज सुन सकता है। उसके बाद आपको इसमें यूजर मैनुअल 100 रुपया का या वेलकम बोनस भी दिया गया है, कैसे कैसे आपको यूज करना है वो चीज़ तो आपको हम बताएंगे ही। तो दोस्तों कैमरे में कैसे यूज करना है ये चीज आपको हम बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो आप हो सकता है आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको पहले ढूंढ लेना है इसमें रिसीवर कौन सा है, ये तीनों में से रिसीवर कौन सा है, तो हमारा ये रिसीवर है आप लोग जैसे कि देख सकते हो। और इसको क्या करना है, आपको ये वाला पिन लेना है, कैमरे वाला 3 ठो वाला है, तो इस पे लिखा भी है, अगर नहीं लिखा रहा है तो याद रखिए ये 3 ठो वाला, तो ये C टाइप इसमें लगेगा, आप इस साइड से लगाइए या C टाइप को
कोनो साइड से लगाइए, इस साइड से लगाइए, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे चिमटा दिख रहा है, चिमटा इसको पे लगा देना है। चिमटा लगाने से पहले आप इसको ऑन करिए, देखिए इसको बटन है यहाँ पे पावर वाला आपको दिख रहा है, तो इसको दबा के रखिए थोड़ा देर, ऑन हो गया, ये देखिए ऑन हो गया यार, भुक भुक कर रहा है, ये सिग्नल कनेक्ट होगा तो ये भुक भुक करना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे देखिए प्लग ऐसे इसको बीच में फंसा के छोड़ देना है, हो गया। उसके बाद ये वाला कैमरा ऑक्स पिन कैमरा में रहता है, आपको ये वाला इसमें ऐसे प्लग कर देना है, बस यहाँ का काम खत्म। ये भुक भुक कर रहा है, अब हम रिसीवर ने ट्रांसमीटर को ऑन करेंगे, कुछ यहाँ पे बटन रहता है, तो ये देखिए ये दोनों ऑन हो गया, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया, ये भुक भुक करना बंद हो गया, ठीक है। इसको भी आपको करना क्या है, यहाँ पे दबा के रखना है, और ये देखिए ये भी कनेक्ट हो गया। फोटो और साउंड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही लाउड साउंड है और सॉफ्ट साउंड है, मज़ा आता है सुनने में, आप लोग सुन रहे होंगे, आपको पता चली हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो का जो ऑडियो वॉइस होता है ना, वो अगर अच्छा नहीं सुनने में लगता है तो आप फील ही नहीं ले सकते, वीडियो का मजा ही नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग इंटरटेनमेंट कैटेगरी से वीडियोस बनाते हैं, तो आपको भी ये परचेज करना होगा। अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो अपने काम के प्रति, कॉमेडी वीडियो बनाने के प्रति, तो आपको ये चीज परचेज करना ही होगा। तो दोस्तों इसको यूज करने का तरीका है कि इसमें एक इको मूड है, इसमें एक और मूड है जिसमें बैकग्राउंड बिल्कुल दूर हो जाएगा, जैसे अभी इस बैकग्राउंड शोर आ रहा है, लेकिन हम इसी को प्रेस करके रखेंगे एक बार, तो ये ब्लू हो जाता है, माइक वाला यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ब्लू हो जाएगा, तो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा भी नहीं आता है, देखिए नहीं आ रहा है। और अब हम इको मूड में चलते हैं, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, तो इको यहाँ पे ऑन हो गया, तो अब देखिए आवाज कैसा, ये ब्लू है, ब्लू को हटाएंगे तो बैकग्राउंड नॉइज इको में भी लेगा, ब्लू को फिर मतलब ग्रीन को ब्लू कर देंगे तो बैकग्राउंड नॉइज आप नहीं ले रहा है, लेकिन इको मूड में है। इको को दबा हटाने के लिए फिर से हम प्रेस करके रखेंगे, इको बंद हो गया, बैकग्राउंड नॉइज फ्री है, तो यही है इसका यूज। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है माइक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिलहाल हम लोगों को पड़ा था ये 4500 के करीब, 4499। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट कॉमेडी वीडियो से रिलेटेड वीडियो लेके, तब तक जय हिंद जय भारत।